नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, सभी को राम राम। महादेव डिफेंस अड्डा चैनल पर सभी का स्वागत है। आज मैं टेरिटोरियल आर्मी का जो DAC TA बटालियन की जो वैकेंसी आई हुई है उनके बारे में डिटेल्स जानकारियां मैं आज आपको दूंगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि टेरिटोरियल आर्मी एंड रेगुलर आर्मी की DAC एक, जो कि मैंने पहले भी वीडियो में बताया था, आप जा करके पीछे देख सकते हैं, पिछला साल भी बताया था कि DAC एक रेगुलर आर्मी और TA यानी टेरिटोरियल आर्मी के जो रिटायरमेंट यानी ESM एक सर्विसमैन जो होते हैं उनके लिए वह DAC यानी डिफेंस सर्विस कोर एक कोर बनाई गई है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत ही आती है। सारी फैसिलिटी उनकी सेम होती है क्योंकि वह एक डिफेंसी हैं, उनके लिए एक कोर है। जैसे आपका रेगुलर आर्मी के अंदर या टेरिटोरियल आर्मी के अंदर बटालियन है, रेजिमेंट है, उसी प्रकार से उसके अंदर भी कोर है। जैसे रेगुलर आर्मी के अंदर भी कोर है, आर्मर्ड कोर, आर्टिलरी कोर और सिग्नल कोर, EME, ऐसे SC, ये सब कोर है। उसी प्रकार से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक प्रावधान बनाया था डिफेंस सिक्योरिटी डिफेंस सर्विस कोर्स, यानी जो एक सर्विसमैन जो रिटायर्ड हो गए 15 साल 17 साल सेवा दे करके, उनके लिए यह वैकेंसियाँ का प्रावधान मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के तहत से कराया गया था, जो कि बहुत पहले से चली आ रही है। तो डिफेंस सर्विस कोर के अंदर अभी जो वैकेंसी आई हुई है उसमें टेरिटोरियल आर्मी का जिक्र किया गया है। एक लेटर साइड में आपको दिख रहा होगा, इस लेटर में यह जिक्र किया गया है कि टेरिटोरियल आर्मी की 102 इन्फेंट्री बटालियन TA पंजाब रेजिमेंट और 150 इन्फेंट्री बटालियन TA पंजाब रेजिमेंट और 156 इन्फेंट्री बटालियन होम एंड सावर्स की है, जो पंजाब रेजिमेंट, यानी तीन टेरिटोरियल आर्मी की बटालियन जोन वन के अंदर 102, 150 और 156 इन्फेंट्री बटालियन तीनों पंजाब रेजिमेंट की बटालियन है जो जोन वन के अंतर्गत आती है। तो ये है, मतलब कि 102, 150 और 156 इन्फेंट्री बटालियन में जो नौजवान भर्ती हुए थे पहले और 15 साल 17 साल सर्विस दे करके और रिटायर्ड हो चुके हैं, उनको एक प्रकार से मौका फिर DAC यानी डिफेंस सर्विस कोर्स के अंदर मौका मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के तहत मिल रही है, यानी वो वैकेंसियाँ देख सकते हैं, यानी एक सर्विसमैन कुल मिलाकर उस वैकेंसियाँ में जा सकते हैं। इसमें कुछ युवा बोल रहे थे क्या जोन टू के अंदर वाला रेजिमेंट नहीं है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ओनली फॉर पंजाब रेजिमेंट की यह DAC कोर वैकेंसी, डिफेंस सर्विस कोर ओनली फॉर पंजाब रेजिमेंट की वैकेंसियाँ करा रही है। रेगुलर आर्मी के अंतर्गत बटालियन इसलिए नहीं लिखी है क्योंकि रेगुलर आर्मी के अंदर पल्टन बहुत सारे पंजाब रेजिमेंट की यूनिट होती है, तो उनमें रेगुलर आर्मी में ऑल इंडिया से ही पंजाब रेजिमेंट में जाते हैं, लेकिन हमारे जोन टू के अंदर पंजाब रेजिमेंट नहीं है, ओनली फॉर जोन वन के अंदर पंजाब रेजिमेंट है, तो इसलिए पंजाब रेजिमेंट ही ओनली फॉर उसमें भर्तियाँ हो सकते हैं। तो आप सभी टेरिटोरियल आर्मी के जो भी नौजवान हैं वह और ऑप्शंस आप देखें, टेरिटोरियल आर्मी की न्यू वैकेंसियाँ बहुत जल्द आने की संभावनाएं हैं। अभी उड़ती फुड़ती खबर के चक्कर में आप न रहें, मैं टेरिटोरियल आर्मी की एक बेहतरीन वीडियो बनाऊंगा एक दो दिन के अंदर, मैं आपको बताऊंगा उसमें आखिरकार उनकी क्या चल रही है। लेकिन अभी तक की फ़िलहाल जानकारियाँ ये है कि अभी जो ये वायरल लेटर है, ये लेटर का यही सच्चाई है कि डिफेंस सर्विस कोर यानी जो एक सर्विसमैन है उनके लिए टेरिटोरियल आर्मी की तीन बटालियन, तीन रेजिमेंट लिया गया है, 102 इन्फेंट्री बटालियन पंजाब रेजिमेंट, 150 इन्फेंट्री बटालियन पंजाब रेजिमेंट और 156 इन्फेंट्री बटालियन होम एंड हावर्स बटालियन है, जो कि तीनों पंजाब रेजिमेंट की यूनिट है और यह ओनली फॉर पंजाब रेजिमेंट का ही वैकेंसी 3 अक्टूबर को पंजाब रेजिमेंट में ही कराया जाएगा। तो आप सभी जो भी एक सर्विसमैन हमारे दोस्त नौजवान जो उनके जो भी होंगे उनको आप इन्फॉर्मेशन पहुंचा देना और वो अपना DAC में भर्ती होंगे, लेकिन आप सभी हमारे जैसे बंदे के लिए वैकेंसी नहीं है। लेकिन घबराए नहीं, जुनून रखें, जज्बा रखें, टेरिटोरियल आर्मी बंद नहीं हुई है, मैं बहुत जल्द आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। लेकिन अभी तक अक्टूबर माह तक कोई वैकेंसी टेरिटोरियल आर्मी की हम जैसे नौजवान बंदे के लिए, सिविलियन के लिए नहीं है, यह ओनली फॉर एक सर्विसमैन की भर्तियाँ हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।